हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो एंड अपने पिक का लोगो कैसे बना सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच करें। इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आप वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जय एडिटिंग चैनल। तो फाइनली दोस्तों, जिस ऐप से मैं फोटो एडिटिंग करूंगा उसका नाम है फोटोलव, उस ऐप को ओपन करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं उस ऐप को कर लेता हूँ ओपन। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो मेरी जो पिक है, सॉरी जो ऐप है, वो ओपन हो गया। यहाँ से बहुत सारे आपको फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया था अपनी पिक पे, वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग की थी, तो उस फिल्टर को मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं नीचे के लिए स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ से बहुत सारे फ़िल्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इस वाले फ़िल्टर को अप्लाई किया। तो फाइनली दोस्तों, इस फिल्टर को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में जो पिक आप एडिट करना चाहो उसे पिक को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम पिक को कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कर देंगे रेडी। तो रेडी करने के बाद में यहाँ से लिख के आएगा गेटिंग रेडी। तो फाइनली दोस्तों, मेरे जो पिक है उसका लोगो क्रिएट हो रहा है, जो कि ऑनलाइन होता है। यहाँ से आपको डाटा ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ एडवर्टाइज आएंगे, उनको आपको कट करना है। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो जब मेरा पिक का लोगो है वो वन क्लिक में ही बन के रेडी हो गया। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो जो मेरा लोगो बन गया है। और यहाँ से इसको लोगो में कन्वर्ट करने के लिए इस पिक को कर लेंगे सेव अपनी गैलरी में। और गैलरी में सेव करने के बाद में यहाँ से कर लेंगे, सॉरी यहाँ से जो ऐड आ गया है, ऐड आने के बाद में यहाँ से कट कर दें। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो मेरी पिक है वो गैलरी में सेव हो गए। सेव करने के बाद में यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस पिक को शेयर करेंगे एपिक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर जाके इस पिक को शेयर कर लेते हैं एपिक ऐप में। तो यहाँ से देख सकते हो मेरी पिक है जो एपिक ऐप में ओपन हो गई है। यहाँ से ओपन होने के बाद में यहाँ से कटआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड वन क्लिक में ही कट कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मेरा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। जो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट हुआ है उसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पर जाके। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने वीडियो कर दिया फास्ट, जैसे मेरा वीडियो लंबा ना हो और यहाँ से बैकग्राउंड भी जल्दी से रिमूव हो जाए। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से हम कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेंगे अपने बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद में यहाँ से इस पिक को कर लेंगे सेव अपनी गैलरी में। और गैलरी में सेव करने के बाद में यहाँ से आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद में आप एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इस बैकग्राउंड को कर लिया है सेलेक्ट और यहाँ से हम इस बैकग्राउंड को ओपन करेंगे एपिक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कर लिया एपिक ऐप में अपने। यहाँ से ऐड फोटो पर आएंगे और यहाँ से इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था उस पिक को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस टाइप से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट हो यहाँ से इस तरह से रिमूव कर सकते हो और यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद में यहाँ से वाइट एक वाइट सर्कल लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से एड फोटो पे जाके इस पिक को, सॉरी यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद में कुछ इस तरह से हम कर लेंगे एडजस्ट। और एडजस्ट करने के बाद में यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पर जाके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कर लेंगे रिमूव। और रिमूव करने के बाद में जो मेरी पिक का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ से रिमूव करने के बाद में कुछ इस तरह से मेरी पिक है जो लगने लगेगी। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो कुछ ही समय में जो इजी स्टेप है उनको फॉलो करके आप अपना पिक का लोगो बना सकते हो। फाइनली दोस्तों, अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।